दिवाली से पहले अयोध्या में उमंग उत्साह का माहौल, रंगारंग झांकियां निकली, सैकड़ों कलाकार झांकी में शामिल, नृत्य संगीत से बंधा समा। झांकियों में दिखाई गई पूरी भगवान राम की गाथा, अयोध्या के लोगों में उत्साह। अयोध्या में दीपोत्सव की जोरदार तैयारियां, 12 लाख दीयों से जगमगाए। देवघर में धनतेरस और दीपावली पर उमड़े श्रद्धालु, चढ़ाए सोने चांदी के सिक्के। सज गया बाबा केदार का धाम, फूलों से की गई सजावट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने किए बाबा केदार के दर्शन, पीएम के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। 5 नवंबर को पीएम केदारनाथ आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। केदारनाथ धाम पहुंचे चरणजीत चन्नी और सिद्धू, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी भी रहे साथ। कृष्ण चतुर्दशी पर मन रहा है हनुमान जन्मोत्सव, प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर में पूजा। दिल्ली में दिवाली से पहले जबरदस्त प्रदूषण, इंडेक्स रेड जोन में पहुंचा। दिल्ली में सूरज के सुबह से दर्शन नहीं, हर तरफ फैला धुंध। 5 दिनों की विदेश यात्रा के बाद पीएम मोदी की वतन वापसी, सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंचे। रवानगी से पहले ग्लासगो में पीएम मोदी ने बजाया ड्रम, कई लोगों के हाथों पर दिए ऑटोग्राफ। ग्लासगो में पीएम मोदी ने दिया बड़ा संदेश, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, दुनिया के लिए जरूरी। जिलों में कम वैक्सीनेशन, थोड़ी देर में पीएम मोदी कम वैक्सीनेशन वाले जिलों के डीएम से करेंगे बैठक। कम वैक्सीनेशन की वजह जानेंगे पीएम, 40 जिलों में कम हुआ टीकाकरण। झारखंड मणिपुर नागालैंड अरुणाचल प्रदेश के जिलों में कम लगे टीके, महाराष्ट्र मेघालय के भी कुछ जिले शामिल। महाराष्ट्र में टीकाकरण को लेकर सीएम उद्धव की बैठक, 30 नवंबर तक 100% टीकाकरण का टारगेट। अमेरिका में बच्चों को कोरोना से बचाने में बड़ा कदम, 5 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी। उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को झटका, कांग्रेस ने छीन ली मंडी लोकसभा सीट। मंडी से पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह की जीत, रामस्वरूप शर्मा के निधन से खाली हुई थी सीट। हिमाचल की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत, एक सीट पर था बीजेपी का कब्जा। हिमाचल में बैकफुट पर बीजेपी, सीएम जयराम ठाकुर ने महंगाई को ठहराया जिम्मेदार। बिहार उपचुनाव में दोनों विधानसभा सीटों पर जेडीयू का कब्जा, पटना में पार्टी दफ्तर में मना जश्न। मध्य प्रदेश में बीजेपी का जलवा, खंडवा लोकसभा सीट पर जीत, 3 में 2 विधानसभा सीटों पर भी कब्जा। मध्य प्रदेश बीजेपी में जश्न, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हुए शामिल। दादर नगर हवेली सीट पर शिवसेना ने मारी बाजी, आदित्य ठाकरे ने बताया तानाशाही के खिलाफ जीत। असम में बीजेपी की बल्ले बल्ले, 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 पर पार्टी की जीत। बंगाल में ममता का डंका, 4 सीट पर टीएमसी का कब्जा। बीजेपी को दिल्ली के सीएम केजरीवाल के दिवाली विज्ञापनों पर एतराज, लिखा विज्ञापन में राम की तस्वीर तक नहीं। अमरिंदर ने तोड़ लिया कांग्रेस से रिश्ता, सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। अनिल देशमुख पर कसा कानून का शिकंजा, 6 नवंबर तक ईडी के कस्टडी में। देशमुख से 11 घंटे सवार 100 करोड़ की हफ्ता वसूली के आरोप में चल रही जांच। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर भी शिकंजा, संपत्ति सीज करने का नोटिस। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाया नया आरोप, बोले 25 लाख की घड़ी पहनते हैं। वानखेड़े का मलिक को जवाब, बोले लोखंडवाला बाजार जाकर कपड़ों के दाम पता कर ले। जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की कीमतों का विरोध। किसानों शुरू के आंदोलन को तेज करने की तैयारी, हरियाणा से दिल्ली पहुंचे किसान। औरंगाबाद में जल संकट को लेकर एमएनएस का आंदोलन, प्रशासन को दी चेतावनी।
अच्छे मौसम की सौगात, कश्मीर में केसर का उत्पादन बढ़ा। कई दिन बाद आज पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ी, दिल्ली में पेट्रोल 110 रुपए। अक्टूबर में भारत के एक्सपोर्ट्स में 42% से ज्यादा का उछाल, पेट्रोलियम सेक्टर में तेजी। खाने के तेल में हो सकती है कमी, उद्योग संकट, एसईए ने दिए निर्देश। अक्टूबर में हवाई यात्रियों में 24% से ज्यादा का इजाफा, अक्टूबर में करीब 88 लाख लोगों ने किया हवाई सफर। अफगानिस्तान के अस्पताल में 2 धमाके, 25 की मौत, 50 लोग घायल, हमले का शक इस्लामिक स्टेट पर। ग्लासगो में पर्यावरण कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, ग्रेटा थनबर्ग ने नेताओं पर नाटक करने का लगाया आरोप। रूसी सीमा के पास नेटो की बढ़ती सक्रियता को पुतिन ने कहा सही, बोले हवाई सुरक्षा को करेंगे मजबूत। न्यूयॉर्क में टीके पर सख्ती, टीका ना लगवाने पर 9,000 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा।